इक्तिसादी राबिता कमेटी ने बिजली के बड़े सारिफीन से 76 अरब रुपए के बकायाजात की वसूली की मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील अहमद, इजलास बड़ा था लेकिन ये बात जानने की है, इस्तिस्ना किसको मिल रहा है, छूट किसको मिल रही है इसमें? देखिए, वज़ीर ख़ज़ाना इसाद दार की ज़ेर-ए-सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में आज अहम फैसले किए गए हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात खत्म होते ही अब बिजली के सार्फीन से 76 अरब रुपए वसूल करने का फैसला किया गया है। ये बकायाजात जून 2023 तक वसूल किए जाएंगे, यानी मार्च से जून तक 4 माह के दौरान। और इसके अलावा 1 रुपए फ्री यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद करने का फैसला किया गया है बिजली सार्फीन पर, जिसका इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फीन पर भी होगा। इसी तरीके के इजलास में पावर डिवीजन ने ये सर्विस पेश की थी जिनकी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 18 अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा रिटेल प्राइस के तयन की मंजूरी दी गई है, जबकि 20 दवाओं की कीमतों में कमी की मंजूरी भी इजलास में दी गई है। पैरासिटामोल की जो अद्वियात हैं उनके कीमत मुकर्रर की गई है आज के इजलास में। इसके अलावा नजरसानी शुदा सर्कुलर डेप्थ मैनेजमेंट प्लान की भी मंजूरी दी गई है। तो IMF के इजलास के साथ ही अहम फैसलों का आगाज कर दिया गया है। वजारत खजाना में आज इजलास हुआ और इसके अलावा 30 से IMF के साथ दोबारा मुजाकरात शुरू होंगे, वर्चुअल मुजाकरात। उसके बाद भी अहम फैसले किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।